सफलता के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। देवियों और स्वजन, पिछले महीने भारत सरकार द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में लगातार छठी बार देश के सबसे स्वच्छ शहर होने का पुरस्कार प्राप्त करने वाले इंदौर शहर को तथा सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्रदान करने का अवसर मुझे मिला। ये उपलब्धि भी सराहनीय है कि इस सर्वेक्षण में 1 लाख से अधिक आबादी वाले 100 सबसे स्वच्छ शहर से रैंकिंग में 30 शहर यानी लगभग 1/3 शहर मध्य प्रदेश में ही है। ये सफलता मध्य प्रदेश के प्रबुद्ध लोगों की जागरूकता तथा सक्रिय जनभागीदारी का प्रभावी उदाहरण है। स्वच्छता की संस्कृति को मजबूत बनाने के लिए मैं मध्य प्रदेश के सभी निवासियों की हार्दिक प्रशंसा करती हूँ। स्वच्छता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के निवासियों के प्रयास सभी देशवासियों के लिए अनुकरणीय है। देवियों और स्वजनों, मध्य प्रदेश के इतिहास में महिलाओं के योगदान की अमर गाथाएं समाहित है। रानी दुर्गावती और झलकारी बाई जैसे वीरांगनाओं ने महिलाओं के समर्पण और बलिदान की गौरव गाथाएं लिखी है। मध्य प्रदेश में अनेक महारानियों ने अपने उत्कृष्ट शासन की छाप छोड़ी है। इंदौर की अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करके देश की आध्यात्मिक परंपराओं में मध्य प्रदेश के योगदान की अमिट गाथा लिखी है। प्रदेश की महिला विभूतियों के प्रति सम्मान अभिव्यक्ति करने के लिए भोपाल के रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त करने के साथ साथ उसका नामकरण जनजातीय समाज से आने वाली अंतिम महारानी रानी कमलापति के नाम पे किया गया है। देवियों और स्वजनों, आज DRDO की ग्वालियर स्थित मैक्सिमम माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेनमेंट लेबोरेटरी का शिलान्यास करके मुझे प्रसन्नता हुई है। इस प्रयोगशाला के स्थापना से देश न सिर्फ बायो डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा बल्कि भविष्य में COVID-19 जैसे चुनौतियों का प्रभावी रूप से सामना करने में भी सक्षम होगा। इस अवसर पर मैं DRDO की पूरी टीम को बधाई देती हूँ तथा इस प्रयोगशाला के समयबद्ध निर्माण के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज मुझे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के रातापानी से इटारसी जाने वाले हाईवे परियोजना का शिलान्यास करने के लिए मौका मिला, इसीलिए मैं प्रसन्नता हूँ और इस परियोजना पूर्ण होने पर पर्यटकों का तथा अन्य लोगों का आवागमन में सुविधा होगी, ये मुझे विश्वास है। देवियों और स्वजना, मध्य प्रदेश में समावेशी विकास के लिए नई आयाम स्थापित किए गए हैं। राज्य ने विकास के कई मानकों पर प्रभावशाली उपलब्धियां हासिल की है। मध्य प्रदेश के ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में पिछले 1 दशक की अवधि में लगभग 3.5 गुना वृद्धि हुई है। खाद्यान्नों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान अग्रणी राज्यों में से है। कृषि विकास दर में पिछले 4 वर्षों में औसतन 20% की वृद्धि हुई है। प्रदेश के समग्र विकास के लिए मैं राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री शिवराजली चौहान जी तथा राज्य सरकार की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश की विकास यात्रा और भी तेज गति से आगे बढ़ेगी तथा उस विकास का लाभ प्रदेश के सभी वर्गों के जन जन तक पहुँचेगा। मैं मध्य प्रदेश के सभी निवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आशा करती हूँ कि मध्य प्रदेश देश में एक उज्जवल तरीका के रूप में उभार के आएगी,
इसी के साथ ही पुनः आप सभी को धन्यवाद देके मैं अपने वाणी को विराय देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।